द क्लासिकल वन जब हम क्लासिकल पैसे की बात करते हैं तो ये बेसिकली हाईलाइट करते हैं डिमिनिशिंग का रोल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और जो आफ्टर स्मिथ जितने भी आपके पास क्लासिकल्स हैं दे आर देर व्यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डिवेलमेंट इज वेरी पैसमिस्टिक उनके हिसाब से क्या है कि वेन एवर देर इज अ रेपिड पॉपुलेशन ग्रोथ बिकॉज ऑफ दैट रेपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इट एग्जर्ट प्रेशर ऑन द रेट ऑफ प्रॉफिट इन द इंडस्ट्री और यह रेट ऑफ प्रॉफिट इन द इंडस्ट्री किस तरह इफेक्ट होगा of, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है देर इज द राइजिंग एग्रीकल्चर एंड बिकॉज ऑफ आल दीज फैक्टर्स रेट ऑफ प्रॉफिट इन द इंडस्ट्री विल बी इफेक्टेड जब हम क्लासिकल पैसमिस्ट में बात करें अबाउट मालथर्स ही इज द ओनलीकोमिस्ट हुईड द रोल्टि क्या था इट इज दफेक्टिव डिमैंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिटरेशन ऑफ द आउटपुट इट इज दिमैंड जबकि बाकी सारे भी आप, आपके पास जितने भी क्लासिकल पैसमिस्ट हैं उन्होंने बेसिकली रेफर किया यहाँ पे जब आप मालतीस के रेफरेंस में बात करते हो कि जो आपके पास ग्रोथ है इट शुड बी इन लाइन विदिवेंशियलिटी डिमांड है इसको ग्रो होना चाहिए विद रेफरेंस टू प्रोडक्टिव पोटेंशियल फॉर द प्रोफिटेबिलिटी एंडमेंट मेंस और अगर ये इफेक्टिव डिमांड यहाँ पे ना हो तो शायद आपके पास जो पोटेंशियल ऑफ प्रोफिटेबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट मेंटेनेंस भी वहाँ पे वो अचीव ना की जा सके और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेंटेनेंस में जो की रोल है दैट इज द सेविंग्स ऑफ द लैंड लॉर्ड ये जो सेविंग्स ऑफ द लैंड लॉर्ड है ये बेसिकली कैपिटलिस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बनेगी और अगर यहाँ पे देर शुड बी इफ देर इज अ असमैच बिटवीन द सेविंग्स ऑफ द लैंड लॉर्ड एंड द डिजायर ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाई कैपिटलिस्ट तो अगेन आपकी इकोनॉमी में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा जब हम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं अबाउट माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन तो ये बेसिकली उसने एक ऐसे लिखा था ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉपुलेशन 1798 उसने वहां पे बात की कि पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी एट मच फास्टर एट मच फास्टर पेज देन द फूड सप्लाई उसके हिसाब से क्या था कि आपकी पॉपुलेशन डबल हो रही है इन एवरी 25 इयर्स और ये आपके पास इंक्रीज हो रही है इन अ ज्योमेट्रिक रेश्यो कि इफ

कि जब आप एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात करो या आप फूड सप्लाई की बात करो वो आपके पास एक रिथमेटिक पैटर्न से इंक्रीज होगा कि फ्रॉम इनिशियली ये वन से टू पे जाएगा टू से थ्री पे जाएगा थ्री से फोर एंड सो ऑन और विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ टू हंड्रेड ईयर ये मूव कर जाएगा फ्रॉम वन टू नाइन क्योंकि ये आपके पास इंक्रीज हो रहा है एज एन रिथमेटिक पैटर्न अगर हम थ्री सेंचुरीज के रेफरेंस में ये सारी ग्रोथ सारी इंक्रीज देखें तो जो आपके पास इंक्रीज इन पॉपुलेशन है वो हो जाएगा अराउंड फोर से जबकि फूड सप्लाई में आपके पास इंक्रीज आएगी थर्टीन और जब हम इस सारे को डिस्कस करेंगे विद तो जो डिफरेंस कैलकुलेबल अकॉर्डिंग टू माल्थस अब यहाँ पे जो आपकी फूड प्रोडक्शन है इट ग्रोज एट एन अरिथमेटिक रेशियो और जो और इसके साथ साथ पे क्या हो रहा है? It implies there is diminishing returns to agriculture. और है और ये जो जो कि आपकी कह लें लाई करेगी वेरी क्लोज टू दी सबसिस्टेंस लेवल हाँ जी अब इस चीज को टैकल करने के लिए क्या होना चाहिए इट माइट बी पॉसिबल देयर इज इंक्रीज इन पर कैप्टा अबाउट बाई प्रोग्रेस लेकिन बिकॉज ऑफ दैट टेक्निकल प्रोग्रेस इट आल्सो रिजल्ट्स इन रिजल्ट्स इन मोर बर्थ विच अगेन वो क्या करेगा अगेन इट विल रिड्यूस योर पर कैपिटल इनकम और वो उसको करीब रखेगा टूवर्ड्स दी सबसिस्टेंस लेवल अब यहाँ पे माल्थस ने रिकग्नाइज किया कि इट माइट बी पॉसिबल देर आर टू टाइप्स ऑफ द चेक टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक को प्रिवेंटिव चेक्स का नाम दिया दूसरा उसको दूसरों को पॉजिटिव चेक्स का नाम दिया कि पॉजिटिव चेक्स इन द फॉर्म ऑफ डिजीन डिजीज एंड फेमिन वहाँ पे आप जबकि प्रिवेंटिव चेक्स क्या है तो यह क्या है दिस माल मटीरियलाइज हाँ कुछ पार्ट ऑफ एशिया और अफ्रीका में आप कह लेंगे हमने ऑब्जर्व की आपके पास जो पॉपुलेशन ग्रोथ है जोमेट्रिक रेट

इन एग्रीकल्चर ने टेक्निकल इन एग्रीकल्चर बेसिकली डिमिनिशिंग आप सेंस में हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सके फिर इसी पैटर्न पे जब हम बात करते हैं एन अदर पैसे उसकी जो बड़ी फेमस बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन उसने वहां पे हाईलाइट किया Would end, end up in a state. और जब वो स्टेशनरी स्टेट में जाएंगे तो क्या होगा there will be no growth और उसके साथ साथ यहाँ पे इन एग्रीकल्चर ये जितने भी आप कहें मॉडल्स हैं इन सब में एग्रीकल्चर बड़ा की रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट प्रोसेस अब जब हम कहते हैं रिकॉर्डर मॉडल रिकॉर्डर के मॉडल में भी क्या था लाइक स्मेथ ग्रोथ

तो ये जो प्रॉफिट है दिस प्रॉफिट इज क्वीज बिटवीन द सबसिस्टेंस वेजिज एंड पेमेंट ऑफ रेंट टू दैंड लॉट और यहां पे भी अगेन क्या है देयर इज डिमिनिंग रिटर्न अब इस चीज को लेबोरेट करने के लिए सपोज अगर हम रूम करें कि एज अ होल दिस इज द आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस इन दैट पर्टिकुलर इकॉनमोम और आपके पास हम यहाँ पे लेबर रिपोर्ट कर रहे हैं आपके पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है जो कि एवरी प्रोडक्ट ऑफ लेबर रिपोर्ट कर रही है और एक और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दैट रिपोर्ट्स द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और एक हॉरिजेंटल लाइन दैट रिपोर्ट्स द सबसिस्टेंस वेजेस दैट प्रिवेल्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर और हम यहाँ पे बात करें कि एल अमाउंट ऑफ लेबर इज यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट तो अगेंस्ट दिस एल क्वान्टिटी ऑफ लेबर आपके पास दिस अगेंस्ट दिस लेवल ऑफ आउट दिस लेवल ऑफ लेबर ये आपके इंटरसेक्ट कर रही है मार्जिनल प्रोडक्ट को एट पॉइंट वाई और आपके एवरी प्रोडक्ट को आप कह लेंगे ये टच कर रही है एट पॉइंट जी अब बाय यूजिंग एल अमाउंट ऑफ लेबर टोटल अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस उसको हम डिनोट कर सकते हैं बाय ओ आर जेड एल अब इस एग्रीकल्चरल आउटपुट में से ये जो आप कह लें कि डिफरेंस है मेरे पास बिटवीन एवरी प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ये आपके पास डिनोट करेगा रेंट और इस के इस डायग्राम में हम यहां पे रेंट को डिनोट कर रहे हैं बाय यूजिंग ए ट्राइंगल आर जेड बाई पी अब टू बाय यूजिंग एल अमाउंट एल यूनिट्स ऑफ लेबर ओ एल यूनिट्स ऑफ लेबर हाँ जी यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है वी हैव टू पे सर्टेन वेजेस टू दी लेबर और उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं बाई दी ट्राइंगल ओ डब्ल्यू एक्स एल यहाँ पे हमारी जम्पशन क्या है कि लेबर इज गेटिंग सबसिस्टेंस वेजेस और ये जो डिफरेंस है बिटवीन रेंट एंड वेजेस दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट लेकिन अगर इफ देर इज इंक्रीज इन इफ देर इज इंक्रीज इन डिमांड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन डिमांड क्या होगा वी विल यूज देर इज मोर यूजेज ऑफ लेबर एंड बिकॉज ऑफ दैट मोर यूजेज ऑफ लेबर जी लेबर की क्वांटिटी मूव करगी फ्रॉम एल टू एल वन और जब वो इस पॉइंट पे मूव किया तो अब आपके पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट है दैट मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू वेजेस और अब यहाँ पे आपके पास बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट देयर इज नो प्रॉफिट कि यहां पे हम क्या कह सकते हैं देयर इज नो इज एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट देयर इज नो प्रॉफिट एंड व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट तो हम वहां पे कह सकते हैं कि देर इज नो मोटिव टू कैरी आउट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंटिब्रीम की स्टेज पे क्या होगा कि रेट इन रेट ऑफ प्रॉफिट इन एग्रीकल्चर मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ प्रॉफिट इन इंडस्ट्री और अगर आपका रेट ऑफ प्रॉफिट इन एग्रीकल्चर फॉल करेगा तो कैपिटल विल शिफ्ट फ्रॉम कैपिटल विल शिफ्ट टू इंडस्ट्री जब वो कैपिटल इंडस्ट्री में शिफ्ट करेगा इट काज अ डिक्लाइन इन इंडस्ट्री industry profit and because of the industry profit may have to decline आया? because of way, rise in wage in terms of food. food, agriculture sector there is diminishing returns and because of that diminishing returns when it results in decline in industry profit or your profit fall to zero then there is no कैपिटल अकामेशन सेजेस और ये आपको लीड करेगा टूवर्ड्स स्टेशनरी स्टेट प्रॉफिट फॉल्स टू जीरो और रिकॉर्डो के रेफरेंस में क्या था कि एनी थिंग रिड्यूस कैपिटल अकामेशन विल स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके हिसाब से यह कैपिटल अकामेशन में रिडक्शन क्यों हो सकती है When there is food prices. और वहां पर आप कह लें कि रिकॉर्डो का क्या ओपिनियन था रिकॉर्डो इज ऑफ द ओपिनियन देर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ देशन ऑन द इनपुट दैट इज यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और फिर वो साथ साथ इवन अगर आप फूड भी इंपोर्ट कर रहे हो दैन देर शुड नॉट भी एनी टेरिफ ऑन दूड आइटम क्योंकि जब आप टेरिफ इम्पोज करोगे इट इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड और जब प्राइस ऑफ फूड इंक्रीज करेगा तो इट विल रिड्यूस द प्रॉफिट और प्रॉफिट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इट विल रिड्यूस द कैपिटल दैपिटलेशन एंड टू द कैपिटल दैपिटलेशन यहाँ पे रिकॉर्डो का परस्पेक्टिव क्या, क्या था कि देर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ द टैक्सेज ऑन द इम्पोर्ट दैट इज यूज टू प्रोड्यूस आउट और उसके साथ साथ अगर फूड पे भी वो कोई टैक्स इम्पोज हो रहा है हो रहा है, तो उसको भी उसको भी आप कह लें रिकॉर्ड इज नॉट इन फेवर ऑफ द इमोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन द इम्पोर्टेड फूड क्योंकि जब आपकी फूड प्राइसेस कम होगी एटलीस्ट ये जो आपके आप कह लें कैपिटल एक जीरो इसको एटलीस्ट वो डिले कर सकता था बाई कीपिंग लो बाई नॉट पुटिंग एन टाइप ऑफ दिफ ऑन इम्पोर्टेड फूड